आनी के शिगागी गांव में हुआ अनूठी परंपरा का निर्वहन। क्षेत्र के गणपति देवता शमशरी महादेव और मलाणा के देवता जमलू के बीच निभाई जाती प्राचीन समय में हुए युद्ध की रस्म। आनी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में इन दिनों आराध्य गणपति देवता शमशरी के सतराला मेले की खूब धूम मची है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा देव समाज की कई अनूठी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। बताते चलें कि आनी क्षेत्र के आराध्य गणपति देवता शमशरी महादेव 7 साल के लंबे अंतराल के बाद इन दिनों अपने अधिकार क्षेत्र के 33 गांव के दौरे पर हैं। गत 13 अगस्त से शुरू हुए इस दौर में देवता जिस जिस भी गांव में जा रहे हैं, वहां देवता के स्वागत में भव्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण अपनी लोक संस्कृति के रंग में रंगकर खूब लुफ्त उठा रहे हैं। देवता के इस विशेष फेरे मेले को सतराला कहा जाता है। खास बात यह है कि इन मेलों में कई स्थानों पर अनूठी देव परंपराएं निभाई जा रही है, जो हमारी सदियों पुरानी देव संस्कृति की परिचायक है। इसी तरह विचित्र परंपरा आनी खंड के खड़ी पंचायत के अंतिम गांव शिगागी में भी निभाई गई, जहां देवता शमशरी महादेव के गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उनके रथ व देवलुओं पर ग्रामीणों द्वारा मिट्टी के ठेलों और बिच्छू बूटी तथा आटे की बौछार से प्रहार किया गया। बावजूद इसके देवता का रथ व देवलू उस प्रहार का सामना करते हुए पूरे जोश के साथ आगे गांव की ओर बढ़ता है और युद्ध जीत लेते हैं। देवता के गांव की दहलीज पर कदम रखते ही युद्ध समाप्त हो जाता है और ग्रामीण देवता को नाचते गाते पूरी उमंग व उत्साह के साथ देवालय तक ले जाते हैं, जहां देवता का भव्य स्वागत करने के बाद उनके स्वागत में मेले का आयोजन करते हैं। उसके बाद देवता खुन पहुंचता है, जहां देवता के सम्मान में ग्रामीणों द्वारा एक भव्य नाटी का आयोजन किया जाता है। शगागी में देवता को मिट्टी के ढेलों व बिच्छू बूटी से प्रहार की रस्म के पीछे क्या वजह है, इस बारे में हिम संस्कृति संस्था के अध्यक्ष शिवराम शर्मा का कहना है कि बुजुर्गों से सुनी दंत कथा के अनुसार आदिकाल में शिगागी का क्षेत्र देवता जमलू के अधिकार क्षेत्र में था। इसी बीच देवता शमशरी महादेव ने उस क्षेत्र को अपने अधीनस्थ करने के लिए जमलू देवता पर आक्रमण किया। तब जमलू देवता के सेनानियों ने शमशरी महादेव पर प्रहार किया और उसे युद्ध में परास्त करने का प्रयास किया, मगर शमशरी महादेव ने बदले में ताबड़तोड़ हमला बोलकर जमलू देवता को परास्त किया और उसके क्षेत्र को छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। वर्तमान में उस समय की यह परंपरा आज भी शमशरी महादेव के शगागी गांव में पधारने पर निभाई जाती है। आनी से छबिंदर शर्मा की रिपोर्ट।